तो कालू जी, स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा इस जगह के बारे में बताइए और कहाँ पर हैं अपन, किनसे मिला रहे हैं ये थोड़ा सा बताइए। जी नमस्कार हरीश भाई, सबसे पहले तो और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और ये आप आए हैं अभी ढाणी कोलाना पड़ता है जी, डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी। अच्छा। जिला रेवाड़ी पड़ता है इनका, लेकिन अपने से 20 किलोमीटर दूरी है ये, अपने यहाँ फार्म से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। बिल्कुल। और ये किसान है भाई, बिल्कुल जो ठेठ किसान होते हैं वो है बिल्कुल। इनका कोई जैसे मेनली तौर के ऊपर कोई इनका बिजनेस नहीं है, इनका ये रोजी रोटी है। हाँ जी, ये जो बिल्कुल ठेठ किसान होते हैं ना, जो घुमा के खिलाने वाले भाई, इन्हीं के ऊपर आश्रित रहने वाले। बिल्कुल। हाँ, कोई जमीन जायदाद वाला कोई इनका नहीं है, इनकी सब कुछ रोजी रोटी ये बकरी है। बिल्कुल। तो अपन इनकी कुछ बकरियां देखेंगे जी, कुछ अच्छी बातों के ऊपर भी अपन बात करेंगे जी, जो इनकी मेहनत है उनके ऊपर हम बात जरूर करेंगे। आपने क्या देखा और हमारे दर्शकों को क्या देखना चाहिए एक बकरी का चयन करते हुए, चाहे वो किसी भी ब्रीड की हो जी, जी। और खास करके जखराना के ऊपर आए हुए हम, तो जखराना के ऊपर बात करेंगे। साथ में हमें क्या नहीं देखना चाहिए, मतलब हमें किन किन बातों को गौर करना चाहिए कि यार ये चीज़ें बकरी में ना हो तो ज़्यादा अच्छी, मतलब ये चीज़ें आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा, इनसे आप परिचय कराइए हमारे दर्शकों का। और लीलू भाई बता, लीलू भाई आपका गांव बताओ। मेरा गांव है जी ढाणी कोलाना। नाम क्या होगा सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है, वैसे ढिल्लू का नाम से जानते हैं हमें जी जी। हाँ जी, शुरू से जैसे बकरी पालक का काम कर रहा हूँ, छोटे सातवीं पढ़ते पढ़ते ही बकरी चराने लग गया था जी। ये जो है ना, हाँ। ये हरीश भाई जो अपने क्षेत्र का तकरीबन यहाँ 50 किलोमीटर की बेल्ट का, हाँ। ये सबसे पुराना जो है ना, इसको ब्रीडर कहें या किसान कहें, हाँ। या बकरी पालक कहें, सबसे पुराने हैं, सबसे पुराने और एक्सपीरियंस के मामले में भी सबसे पुराने। बहुत अच्छा। हाँ, जैसे कई बार आदमी का उम्र कम होता है और तजुर्बा बहुत बड़ा हो जाता है ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसी अनुसार बोल रहा हूँ मैं जी, कि इनका तजुर्बा बहुत है बकरी के अंदर, जखराना बकरी के अंदर इनका तजुर्बा बहुत लाजवाब है, क्योंकि इनके पास जो है ना बकरियाँ, वो इनकी 2-3 बातें बड़ी यूनिक है इन बकरियों के अंदर। एक तो इनका जो है ना बकरियों का जो कलेक्शन है, एक इनका खुद का है अपने हार्ड का, क्योंकि इन्होंने कहीं से परचेज नहीं की है, अपनी खुद की बनाई है इन्होंने। और दूसरे नंबर पे इनका आता है हाइट का, इनकी जो हमारे पूरे क्षेत्र में इनसे हाइट में किसी की बड़ी बकरी नहीं है जी। हाँ, सबसे ऊंची हाइट की है इनके पास, तकरीबन बकरियाँ इनकी 40 के आसपास है, जो पुराना खानदान चला आ रहा है उसी को इन्होंने मेंटेन करके रखा है। बहुत अच्छा। और बकरियाँ भी अच्छी हैं, दूध लाइन की भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि दूध नहीं है, दूध भी अच्छा है इनमें। दूध अगर इनको हम ग्रेजिंग के ऊपर रखेंगे और इनको फिर फीडिंग के ऊपर भी रखेंगे जी, तो ये दूध और भी ज़्यादा देंगे। हाँ, हाँ, क्योंकि ये तो ओनली ग्रेजिंग के ऊपर रखते हैं ना, थोड़ा चारा दे देते हैं, तो ये चारा दे देते हैं फिर ग्रेजिंग करवाते हैं, तो उसके अंदर जो है ना तो दूध कम आता है निकल के जी। अगर ये ग्रेन को थोड़ा सा उस जो फीड वाले कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे ना, तो दूध मिल्क बढ़ के आएगा, इनको बचत भी बढ़ेगा उस मामले, बचत भी बढ़ेगी ना। हाँ, बचत बढ़ेगा, एक आम किसान की बचत भी भाई उसी से आनी है बकरी से। उसमें 2-3 फायदे हो जाते हैं हरीश भाई, एक तो अपने को मिल्क ज्यादा मिलेगा जी, दूसरी बात बकरी का जो बॉडी है वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि हम कहीं भी खिलाएंगे तो हम वो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी कर ही नहीं सकते। जंगल में भाई हर न्यूट्रिशन पूरी हो नहीं सकती, क्योंकि जंगल में तो जाके हरा खा लेगी, पेड़ की पत्तियां खा लेगी, तो उसको जो एनर्जिक डाइट है ना, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो ग्रेन तो अपने को देना ही देना पड़ेगा जी जी। हाँ, ये थोड़ा कम देते हैं ग्रेन, लेकिन फिर भी इनकी बेहतरीन क्वालिटी है जी, क्वालिटी के साथ। लेकिन इन्होंने भी एक दो कमियां थोड़ी रख रखी हैं बकरियों में, इसके बारे में अपन थोड़ा सा समझते हैं ना, इस बकरी के बारे में जी जी, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताएं। देखो ये बकरी जो है ना, ये बकरी जखराना की ब्रीड अगर मान ले कहेंगे जी, तो ये ब्रीड के अंदर ट्रू ब्रीड है, ट्रू ब्रीड है, इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। और इसकी जो लेंथ है ना, जैसे आमूमन बकरी देखते हैं ना जो लंबाई की बात करते हैं हरीश भाई, सबसे अहम बात यह है कि बकरी की लंबाई कितनी है। बकरी जब दूध देता है, कोई भी जानवर हो, गाय भैंस भेड़ बकरी, जब भी दूध देता है तो दूध उसकी लंबाई से आता है। अच्छा, लंबाई से आएगा। इसके पीछे का क्या लॉजिक है? इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि बकरी के अंदर जो हम यहाँ से काउंट करते हैं, ये इसका पेट का हिस्सा होता है। जो बकरी की मान लो इसकी लंबाई छोटी है, होगी मान लीजिए ये लंबाई छोटी होगी, तो पेट का साइज भी छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। और जितनी बकरी की लंबाई बढ़ेगी ना, तो पेट का साइज बढ़ जाता है। इन बकरियों के जो जितने बड़े पेट की बकरियां होती हैं, उनकी खाने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा खाएंगी, सुक्का भी ज़्यादा खाएंगी, ग्रेन भी ज़्यादा खाएंगी, तो मिल्क भी ज़्यादा देंगी। और वो कहते हैं ना, जितना खाएगा ना उतना कम आएगा, है ना, जैसा खाएगा
वैसा कमाएगा, ये देसी कहावत है ना, तो वही बात है। इनकी बड़ी पेटी की बकरियां हैं ये, इसको देसी भाषा में हम पेटी बोल सकते हैं, भाई बड़े पेट की है, रूमन इनका बड़ा है, क्योंकि इनकी लंबाई की बकरियां हैं सारी, जितनी भी बकरियां हैं ना इनकी, सब लंबी लंबाई में देखो कितनी ज़्यादा है, आमूमन बकरी से बहुत ज़्यादा लंबी है। आप देखो ना इसको, तकरीबन 5 फुट के आसपास लंबी है बकरी, देखो बिल्कुल है ना, और हाइट के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से, और जो है ना इनकी वही वो जो मैं बताता हूँ, देखो ये चौड़े सींग, मोटे मजबूत, और गर्दन देखो कितनी लंबी और पतली गर्दन है ना, ये चीज़ हमें को देखनी है। अगर मान लो किसान कोई बकरी खरीदता है ना, उसको ये 2-4 चीज़ें अवश्य देखनी चाहिए। एक तो बकरी के अंदर हाइट देखे, वो 101% देखो, बगैर हाइट के कुछ काम नहीं चलेगा, हाइट होगी तो ही आप कमाओगे। एक लंबाई होनी चाहिए बकरी में, एक इसकी जो चमड़ी होती है ना बकरी की, ये अक्सर जो मीट ब्रीड होता है कोई भी, उसकी मोटी चमड़ी होती है, जो मीट ब्रीड जो भी जितने भी जानवर होते हैं, वो भेड़ बकरी ऊंट कोई भी हो, तो उसकी मोटी चमड़ी मिलेगी, बारीक चमड़ी है इनकी सभी बकरियों की, आप वैसे महसूस भी कर सकते हैं, देखो बिल्कुल जैसे कागज़ की तरह चमड़ी है ना, तो इस ये ही दर्शाता है कि ये दूध की बकरियाँ हैं बिल्कुल। हाँ, लेकिन इन्होंने छोटी छोटी एक कमियाँ रख रखी हैं, वह अगर जैसे समझदारी से काम लेंगे ना, तो उसको भी आने वाले समय में ये सुधार सकते हैं जी। जैसे थोड़ा थोड़ा इनका जैसे कलर का जो है ना, जो आपने पूछा था अभी पहले वीडियो में, जो कलर का थोड़ा सा जो पैटर्न है, ये कलर का पैटर्न, इसमें भी 2-3 कारण हैं जी, इनको अभी पता नहीं है ना इतना। जैसे ये क्या है ना, ये भी थोड़ा इनब्रीडिंग का है, कभी इनके बारे में इनब्रीडिंग हुआ है। अच्छा, हाँ, ये इनब्रीडिंग का ये लक्षण है थोड़ा, जैसे ये है ना, इस पे जैसे महरूम जो चमड़ी आ रही है ना थोड़ी हल्की सी, जैसे महरूम चमड़ी है, ये कहीं कहीं इनब्रीडिंग को दर्शाती है ना। अच्छा, हाँ, नहीं तो जखराना में ये नहीं देखने मिलता, जो ये पीछे वाले पुट्ठे के जो बाल हैं जो महरूम दिख रहे हैं, ये नहीं होता है। नहीं, ये महरूम नहीं होते, ब्लैक होते हैं वो, टोटल ब्लैक। हाँ, टोटल ब्लैक होते हैं, जैसे है ना इस बकरी में और इस बकरी में, देखो ये दोनों ही बकरियां जखराना है और दोनों ही प्योर ब्रीड है, ठीक है ना, ये जो व्हाइट जो बाल है ना, ये जखराना है 100% जी। हाँ, इसमें कोई शंका करने वाली बात नहीं है, मान लीजिए कोई अगर शंका करता है तो वो गलत है, ये तो 100% जो है। वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना, इन्होंने पीछे जो इनके पीछे बीत गए ना 10-5 साल पहले, इन्होंने कभी न कभी इनब्रीडिंग का शिकार हुआ है। अच्छा, पूरा ये इनका हार्ड है ना, ये इनब्रीडिंग का शिकार हुआ है, क्योंकि इन्होंने अपने हार्ड से कभी बकरा रखा होगा और वो उसी ब्रीडर को फिर दोबारा से उसी का बच्चा पाल लिया होगा, अपनी ही बकरियों का वो लगाया होगा, तो ये छोटे छोटे लक्षण आ जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, इन्होंने फिर बाद में चेंज किया होगा, तभी तो इतनी हाइटेड बन गई ना इनकी। बिल्कुल, हाँ, तो ये जो है ना, मेरी नज़र से ये हमेशा ब्रीडर इनके पास अच्छा ही मिलता है, क्योंकि ये लाते हैं भाई ढूंढ ढांड के। मेरे को भाई ने दिलवाया था, बहुत अच्छा ब्रीडर है। बिल्कुल, हाँ, इनका जो है ना सिलेक्शन बहुत अच्छा है। अभी इन्होंने एक नया ब्रीडर पाला है, देखो ये। अच्छा, ये जो है ना, ये ब्रीडर जो है, ये बच्चा है अभी, ये ढिलू दांत दूत नहीं किया होगा ना, देखो ये 7.5 महीना का भाई, अभी तो हरीश भाई, इसको लोगों को यकीन नहीं होगा कि ये 7 महीने का बच्चा है। देखो ये जो है ना हरीश भाई, अभी इसने दांत दूत कुछ नहीं किया है, कैरी है बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल अदंत है, बिल्कुल अदंत। हाँ, बिल्कुल अदंत है। और ये जो है ना, ये जो बच्चा बनने वाला है अभी, आप इसको यकीन कोई नहीं करेगा, इसकी कम से कम 45 जाना है हाइट। हाइट, हाँ, 45 कन्फर्म होना है इसका। ये जब 6 दांत से 8 दांत के ऊपर जाएगा ना, ये 45 से 46 इंच का होगा। गजब, ये मेरे पक्की ये गारंटी है मेरी इस चीज़ की, क्योंकि इसकी जो है ना बोंज है ना, वो अभी बता रही है। देखो पीछे वाले पैर की जो है ना, पीछे वाले पैर की जो है, ये देखो कितनी लंबी हैं हड्डियाँ इसकी। गजब, हाँ, ये देखो है ना, अभी तो बच्चा है ना, और ये जो है ना, इसके हुब भी अच्छे हैं, पैर भी अच्छे हैं, अभी तो छोटा बच्चा है, 7 महीने का है, तो बोंज इतनी विकसित होती नहीं है, लेकिन फिर भी पैर वैर की जो है ना वृत्ति, देखो कितनी चौड़ा पैर है जी, है ना, बहुत अच्छा है। सीना भी हबी से चौड़ा हो रखा है इसका, है ना, और फेस क्वालिटी देखो कितनी अच्छी है, बहुत मासूम फेस है इसका, जो थोड़ा सा हल्का सा जो जखराना में कवर लिए होता है ना जी, तो हल्का सा कवर ले रखा है इसने। और ये जो कलर जो दिख रहा है ना, ये प्योर ब्लैक में है। हाँ, नहीं कलर, ये यही तो इनको बचाएगा अब, यही बचाएगा इनको। हाँ, ये बिल्कुल ब्लैक में आ गया ना, तो ये इनका, ये कहते हैं ना वो पूत के पाव पालने दिख जाते हैं ना, एक कहावत होती है ना, तो ये अभी ये दिख रहा है कि ये हार्ड और ऊपर जाएगा इनका। बिल्कुल, इनका जो हार्ड, अब अगर हम 2 साल के बाद इनके पास आएंगे ना, तो इनके पास बकरियां और यूनिक मिलेंगी आपको, और यूनिक मिलेंगी, और यूनिक मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि ब्रीडर का इन्होंने ये जो बच्चा है ना, ये बहुत अच्छा चयन किया,
टेस्टिकल देखो अभी 7 महीने की एज में, मैं आपको टेस्टिकल बार बार बताता रहता हूँ ना, हमने गुजरी एक जो ब्रीडर हमने कवर किया था उसके अंदर भी हमने देखा था, ये जो इसकी चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई जो लिए हुए, ये छेड़ मतलब ये जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई अभी भी इसकी 4 इंच के आसपास है। जैसे जैसे जो ब्रीडर कम से कम 2 साल का होता है ना, उस कंडीशन पे है 7 महीने का बच्चा। हाँ, और जो टेस्टिकल है ना, नीचे से इसकी डबल फाड़ नहीं होती, दो लिगामेंट के अंदर बटा हुआ नहीं है ये, सिंगल तो, हाँ सिंगल है ये, सिंगल तो इसके अंदर दूध लाइन बनेगी, 101% दूध का बनेगा ये। अच्छा, और ये इन्होंने देखो इसका कौन सी बकरी का चयन किया है, कौन सी का नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा है। हाँ, बॉडी के हिसाब से भी अच्छा है और कमर का भी बहुत अच्छा है, है ना, और सिंगों का तो वही है देखो जखराना में, वही मोटे मजबूत सिंग। और अभी 7 महीने, हाँ 7 महीने का है अभी तो बच्चा। अभी इसका एक नया जो है ना, अभी इनके कटिंग करवाएंगे ना, बड़े हो जाते हैं ना, थोड़े शरारतबाज भी ज्यादा करते हैं। इसके कान नहीं कटवाए पर, हाँ कान इन्होंने काटे नहीं, ये वो जो है ना, इन्होंने बहुत अच्छा लग रहा है पर, हाँ क्योंकि जनरली आप ऐसे कर देते हैं कानों को कि भाई वो किसी काम के नहीं रहते हैं। वैसे इसका जो एक इसका पीछे से अगर देखेंगे ना हरीश भाई, वही चीज देखने को मिल रही है अपने को, जो बड़े ब्रीडर में देखते ना, जैसे 4 साल का 3 साल का ब्रीडर होता है, तो 7 महीने के बच्चे में आज भी वो लक्षण है जो है ना, कहते हैं ना लक्षण अभी भी दिख रहे हैं। देखो इसके पीछे से बिल्कुल पतला है, आगे से चौड़ा है ना, ढलान वही 45 का है पूरा, तो बहुत अच्छा है। बकरियां भी अच्छी हैं, बच्चा बहुत अच्छा बच्चा बनेगा, बहुत बढ़िया ब्रीडर बनेगा। वही देखो इसके देखो पूछ के ऊपर जो है ना, पीछे में देखो व्हाइट पैच आ रखा है, तो ये एक पहचान है जखराना की जो है ना, ये पूछ के ऊपर ओरिजिनलिटी को दर्शाता है। जितनी भी बकरियां है ना हरीश भाई, किसी भी बकरी का आप पूछ उठा के देखोगे ना, तो व्हाइट आपको मिलेगी, है ना, ये जो है ना, ये चीजें देखने की होती है, व्हाइट मिलेगी सभी बकरियां। जैसे ये बकरी है, ये जो एज्ड बकरी है, लेकिन ये इस हार्ड की जो है ना, देखो मैं ये नहीं कहता कि ये भाई इनसे भी अच्छी हो सकती है, इनके पास तो मेरे को तो पता नहीं, लेकिन मेरी नजर में जो है ना, ये बकरी बहुत लाजवाब है, ये एज्ड है, लेकिन ये इस हार्ड की सबसे अच्छी बकरी मान सकता हूँ, क्योंकि इसकी बोंज वोंज देखो कितनी मजबूत है अभी भी। हाँ अभी भी देखो पीछे से कितनी मजबूत बोन, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो बोन की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है ना, और दूध में भाई बता रहा है ये 6.25 लीटर इसने दूध दे रखा है। और दूसरे नंबर पे इसकी देखो गर्दन, देखो गर्दन की लंबाई देखो, पतली गर्दन, वही सिंगों का पैटर्न जो है ना, ये अभी तो घिस रखे हैं इसने, वही मोटे और मजबूत और पीछे की तरफ जाते हैं। और इसके फेस की अगर वैल्यू देखेंगे तो वही कवर लिए फेस देखो आप, शानदार बिल्कुल, और वही आगे से चेहरा जो है ना मासूम चेहरा, सफ़ेद और सफ़ेद कान, ये गर्दन पे सफ़ेदी, पूंछ पे सफ़ेदी है ना, और वही एक बकरी के लक्षण जो होते हैं ना, और जखराना में आगे से हल्के और पीछे से चौड़ी जी है ना, और जखराना में बैंड नहीं होता है ना, बैंड बिल्कुल भी इसमें बैंड है नहीं जखराना में, कोई नहीं नहीं जखराना में कोई बैंड नहीं मिला, बैंड मिल गया तो इसका मतलब क्रॉस ब्रीड। अच्छा, हाँ इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं मिक्सअप है, 101% मिक्सअप है। ये कोई अगर बोलेगा ना नहीं मेरा तो ऐसे टूट गया ऐसे टूट गया, वो सब झूठ बोल रहा है, कोरी झूठ बोलेगा। अच्छा, बैंड होता है नहीं जखराना में, जखराना में और बीटल में बैंड नहीं होता, नहीं बैंड नहीं होता है जी। ये जो है ना हरीश भाई, जो इसकी जो है ना, देखो इसकी जो एक बकरा होता है ना बड़ा बड़ा जो बक होता है, वैसे वैसे इसके पैर हैं, देखो कितने मजबूत पैर हैं, लंबे लंबे हैं और मोटे भी हैं और मजबूत भी हैं। ऑर्डर क्वालिटी बहुत अच्छा है, अभी तो वर्ध बकरी है ना, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है बकरी, बहुत अच्छी है ब्रीड के हिसाब से देखो अच्छी है ये, क्योंकि इनका देखो सिलेक्शन मेरे जितने भी क्षेत्र की बकरियां हैं ना, तो इनकी बकरियों से अच्छी बकरियां मेरे को कहीं पसंद आती है, मुकाबले नहीं 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 इनके मुकाबले बकरी नहीं, बहुत कई ये हमारे क्षेत्र की 100 किलोमीटर तक की सबसे टॉप ब्रीड है। मैं इसको जैसे अपने पर्सनल तजुर्बे से बोल सकता हूँ, 100 किलोमीटर की सबसे टॉप ब्रीड है, बहुत बढ़िया, क्योंकि इनके अंदर किसी भी बकरी को पकड़ो आप, सभी बकरियों में एक यूनिक मिलेगा आपको हर चीज, जैसे है ना ये बकरी देखो आप, हर बकरी एक यूनिक तरीके की बकरी है ना, बॉडी देखो, देखो इसकी जो ये देखो सब एक नंबर की क्वालिटी है, वही पतली चमड़ी सभी का। हाँ इस हार्ड में एक बकरी और नजर आ गई मेरे को, ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये बकरी जो है ना, ये ब्रीडर बनाने की बकरी है। अच्छा, हाँ इस बकरी को हम ब्रीडर प्रमोटर बकरी बोल सकते हैं। हाँ। इस हार्ड की अगर इस सारी हार्ड के अंदर चयन करेंगे तो ये बकरी ब्रीडर बनाने की बकरी है। इसका ब्रीडर, इसकी हाइट थोड़ी कम है, हाँ 1 इंच का फर्क है, ज्यादा नहीं है, बस 1 इंच में ही कम बोल देते हैं ना, बस 1 इंच का फर्क है, लेकिन ये इससे ब्रीडर जो पैदा हो गया ना, वो ये सोचो जितनी भी बच्ची पैदा करेगा ना सब 5 किलो की होंगी, बहुत लाजवाब बकरी है ये, तो सुपर फास्ट बकरी बोल सकता हूँ इस बकरी को। ये इस भाई की जितनी बकरियाँ हैं ना, एक एक बकरी से बहुत वाकिफ हूँ मैं, क्योंकि मैं अक्सर ये मेरा साथी है, मिलता रहता हूँ। हाँ
और ये मैं जब भी हम बकरी लेने जाते हैं ना तो मैं ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी इनको मैं साथ रखता हूँ चैन के अंदर। हाँ बक लेने जाते हैं तब भी चैन के अंदर साथ। उनका 25 साल का अनुभव है ना। हाँ उनका अनुभव ज़्यादा है वो, नहीं वो जुड़े हुए हैं और उनको है ना अच्छी बकरी रखने का तजुर्बा है किस तरीके से। हाँ बकरी का चयन कैसा होना चाहिए, बकरी ओरिजिनल बकरी होती कैसी है, इनको ये भी मालूम है जी, है ना जी। लेकिन ये थोड़े जो है ना ये बिल्कुल जो ठेठ किसान होते हैं ना वो हैं, जैसे ज़्यादा भाई एक मध्यम परिवार के लोग हैं। तो आप इन्हें गाइड करिए ना कि भाई आप इसे मैं तो भाई टाइम टाइम पे गाइड करा रहे, मैं तो बहुत बोलता हूँ यार आरिश भाई, अब भाई आप अपना अपना वो ब्रीडर लगाओ इनके ऊपर। हाँ ये हाँ उसके ऊपर हाँ करो आप, आपको वो अपना अपना जो निकाल के देगी बकरी आपको, जो अपना जो जो है ना हीरा और मोती अगर इस पे लग जाएगा ना, इस हार्ड पे दोनों में से कोई सा ब्रीडर लग जाएगा ना, इसकी बच्चियाँ जो है ना पहली बार में 4 से 5 लीटर दूध देंगी दो दांत में, 101%। क्योंकि ये बकरियां जो स्टैंडर्ड बकरियां हैं, ये अपने क्षेत्र की सबसे अच्छी बकरियां हैं, हाइट के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से, मिल्क के हिसाब से, इन जैसी बकरियां नहीं है। ऐसे अगर हम बात करें कालू भाई, जैसे 12 महीने में अभी अपन ने 7 महीने का बच्चा देखा जी, जो मुझे दूसरी नस्लों की तुलना पर बहुत अच्छा लगा, तो मुझे ये बताइए कि एवरेज क्या वेट गेनिंग कैपेसिटी है जखराना पे? अगर आपके पास अच्छा ब्रीडर है और आपके पास अच्छी बकरी है, मिल्क लाइन की तो अच्छी होगी होगी, तो अगर आपका बच्चा, आपने अगर बच्चा ही पालना है, अगर वेट गेन करवाना है, तो एक साल का 12 महीने के अंदर आपको 80 से पार पार तो 101% हो जाएगा। अच्छा हाँ 80 किलो का जी, अपने वाले ब्रीडर है ना जो बड़े वाले, वो सब 125 से ऊपर है। ये इनका वेट गेन में बोलते ना, वेट गेन नहीं करता है ये, वेट गेन में भाई सबसे माहिर बकरी है, जिसका जो है ना भाई दूध से न्यूट्रिशन मिलता है, जिसके पास दूध ही है उसके पास तो भरपूर न्यूट्रिशन। बकरी अपने बच्चे ही नहीं पाल पा रही तो उसके बच्चे ग्रोथ कैसे करें? ग्रोथ कैसे करेंगे, इसके पास तो दूध इतना भरपूर है, ये तो मालिक को भी दूध देती है और बच्चे को भी दूध देती है, बच्चे बराबर पीने के बाद मालिक को 2 लीटर दे रही है। देखो पूरा परिवार चलाना इन्हीं बकरियों से है ना, तो बच्चे बेच के भी और दूध बेच के ये लोग काम चलाते हैं, इनका पर डे का 1000-1200 रुपए की एक शुद्ध कमाई है इनके पास बकरी जो। हाँ दो दो तीन तीन बच्चों को पढ़ाना, एक वो संयुक्त परिवार चलाना है ना, छोटे भाई भी हैं, वाइफ भी हैं, माता है ना, तो एक संयुक्त परिवार चलाना बहुत आज के ज़माने में बहुत टेढ़ी खीर है भाई जी, है ना। ये सिर्फ इन बकरियों के दम पे चला रखा है इन्होंने सारा काम। तो आप जो नए हमारे दर्शक हैं जो जखराना के ऊपर, आपके वीडियो देखकर जरूर वो कुछ ना कुछ आपसे भी जुड़ेंगे और जुड़ने की कोशिश करेंगे, इन किसानों तक पहुंचेंगे जी, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उन नए दर्शकों के लिए जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं और बकरी पालन में आना चाहते हैं, तो क्या इज इट मतलब क्या ये प्रॉफिटेबल है, फायदेमंद है, कैसे शुरू करें, क्या करें, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। हरीश भाई देखो ऐसा है, मैं ये कहता हूँ अगर मान लीजिए कोई भी नया किसान अपना काम स्टार्ट करना चाहता है, उसके दिल में एक ख्याल आता है कि मेरे पास भी 100 बकरियां हों, मेरा भी एक अच्छा सा हार्ड हो, मेरे भी अच्छा सा दूध जाए, बच्चे पैदा हों, मैं भी 30-40 लाख रुपए की आमदनी करूं एक साल की। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ये सपने लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूं एक बार तंग पाके, तंग का कहते हैं ना, एक बार कष्ट झेल के आप बहुत अच्छी ब्रीड की 5 बकरियां ले लो, लेकिन बकरी आपको ऐसी लेनी है जिसका बॉडी वेट कम से कम 80 किलो हो, हाइट जिसकी 40 इंच हो, दूध कैपेसिटी जिसकी 5 किलो हो। देखो इस पे कंडीशन है, आप एक बार 5 ले लीजिए और आप एक साल के लिए अंडरग्राउंड हो जाइए, आपको वो 5 से आपको सीधी 20 हो जाएंगी एक साल में, क्योंकि हर बकरी एक बार में, जो मैं बकरी बता रहा हूँ उस कंडीशन की बकरी 3 बच्चे देती है और ज़्यादातर 2 फीमेल तो आ ही जाती हैं एक ब्यांत में, अगर एक भी आ गई तो एक तो बचेगी, अगले 6 महीने में एक और आनी है, एक बकरी से 2 बकरी बन जाएंगी, और जो आज की फीमेल नीचे है ना वो तो एक साल के बाद बच्चा देना है उसने, वो भी एक फीमेल दे के तैयार रखेगी जी, है ना, तो आपकी 20 हो जाएंगी। बस आप 5 ले लीजिए, मैं तो ये कहता हूँ भाई अच्छी ले लीजिए लेकिन 5 ले लीजिए, आपको 10, 100, 1000, 500 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 5 की कैपेसिटी है तो 5 लीजिए। मैं तो कहता हूँ जिस आदमी ने 50 लेनी है ना वो बस 25 ले ले, आधी ले ले, लेकिन वो 40 इंच हाइट की बकरी ले, बॉडी वेट भी 80 किलो होना चाहिए, मिल्क कैपेसिटी 5 किलो, तोल के ले, ये ना बोल के, भाई बोल के तो सभी की 5 देती हैं, तोल के ले है ना, हाँ तोल के लेना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ पैसे पूरे दो लेकिन दूध हो तोल का है ना, जिसके नीचे बच्चे भी आएंगे है ना। जैसे इनकी बकरियाँ हैं, अगर इनकी इनके पास से अगर मान लीजिए आपने 2 बकरी ले भी लिया तो एक तो मिल्क अच्छा है भाई, इन्होंने अगर आपको लूट भी लिया 2 बकरी में तो इनकी जो ज़िंदगी जानी नहीं है,
ज्यादा से ज्यादा आपको 2,000, 5,000, 10,000 लूट लेंगे, लेकिन आपके पास चीज तो चला गया। बिल्कुल, आप उन्हीं 2 से 100 बना सकते हो ना। बस एक बार आपको वो कहते ना, एक बार हीरा मुझे हाथ लग जाए, है ना, तो आपको एक बार अगर हीरा हाथ लग गया ना, तो फिर आपको ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं। और जो लोग ऐसे घूमते ना, हाड़ की बकरियां ऐसे देखते हैं, जो बकरियों की खुद की कीमत 15,000 रुपये है और उनकी बच्चियां लेके पालने की कोशिश करते हैं, फिर हम 5 किलो की 7 किलो की बकरी बनाएंगे, भाई वो तो 2 पीढ़ी निकल जाएंगी, उनके बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन 7 किलो की बकरी नहीं बनेगी। आपको बढ़िया ब्रीडर का चयन करना पड़ेगा। आप ब्रीडर नहीं खरीद सकते क्योंकि ब्रीडर महंगे आते हैं। देखो 1 लाख से नीचे कोई ब्रीडर नहीं आएगा आपका। अगर आपने स्टैंडर्ड ब्रीडर लेना है ना, तो आपका 1 लाख से नीचे ब्रीडर नहीं आना। तो आप छोटा बच्चा ले लीजिए 5,000 में, उसी ब्रीडर का बच्चा लीजिए जिसकी माँ को 5 लीटर दूध है, 7 लीटर दूध है, ऐसी माँ का एक बच्चा ले लीजिए, उसको आपको 1.5 साल में वो ब्रीडर बन जाएगा। 1 साल का काम करने लगता है, ये तो 8 महीने का, ये 7 महीने का बच्चा भी क्रॉस करता है, ये अभी अगले महीने बकरी क्रॉस करेगा, ये 7-8 महीने बच्चा क्रॉस करने लग जाता है। बिल्कुल हाँ, तो आप जो है ना, सिलेक्शन जो है ना आपका, देखो वो आपका एक नंबर होना चाहिए, न कि आप ये सोचो भाई 25,000 की बकरी बिक रही है, 20,000 की बकरी बिक रही है, हम उसकी बच्ची लेके पाल लें। आप नहीं बनोगे। बच्ची भी लेनी है ना, तो जो बकरी की कीमत कम से कम 50,000-60,000 रुपये है ना, ऐसी बकरी की बच्ची लेके पालो भाई आप। और बकरी देखो, आप उसकी माँ को देखो, उसके फादर को देखो, है ना, जिसके पास ब्रीडर 15-20 हज़ार का कट्टू का ब्रीडर होगा, है ना, और जिसकी बकरियां कट्टू की होंगी, तो मेरे भाई 15,000 का ब्रीडर कहाँ 1 लाख की बच्ची पैदा करेगा वो। सही बात, उसने जीवन में उसकी खुद की अपनी 15,000 कीमत रही है, तो वो क्या संतान लाख वाली पैदा थोड़ी करेगा, लाख वाली करेगा, 15 वाली करेगा जी। हाँ, बहुत से लोगों के ऐसे मेरे पास फ़ोन भी आते रहते हैं, कमेंट भी रहते हैं, पूछते भी रहते हैं, जान पहचान वाले, भाई साहब छोटी बच्ची लेके पाल लेंगे 5,000-7,000 में। मैं बोल देता हूँ भाई, 15,000 की बकरी की बच्ची 5,000 में आप लेके पालोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मनी वेस्ट कर रहे हो ना, आप अनाज खिला रहे हो, चारा डाल रहे हो, आप 1-2 साल के बाद रिजल्ट देखोगे, आपको कुछ नहीं मिला, बैकअप जीरो आना है ना। आप उसी बच्चे का चयन करो जिसकी माँ बाप अच्छी हो, बेहतरीन लाइन क्या, मैं तो ये कहता हूँ उसी हाड़ से लो, जिनकी बकरी आपको पसंद आए ना, उस हाड़ से बच्चे उठाओ, नहीं तो बच्चे उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने बच्चा लेना भी है ना, तो उसी हाड़ से उठाओ, नहीं तो आप बच्चे उच्चे का झंझट छोड़ो, 5 बकरी ले लो टॉप क्वालिटी, मैं तो ये कहता हूँ। जखराना बकरी अगर हम देखें तो साल भर में अगर जो एक अच्छी बकरी है तो कितना एक किसान के पास छोड़कर चली जाती है, अगर वो मिल्क की बात करें या जो उससे मिलने वाले बच्चे हैं वो, देखो एक अंदाज़ा क्या है आपका? देखो हरीश भाई, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने ये बकरी है, ठीक है, या फिर ये बकरी है, देखो मैं उसको नहीं अभी चयन करूँगा, इसी बकरी का चयन करूँगा उसके ऊपर, ठीक है। जैसे ये बकरी है, ये बकरी इस हाड़ की मेरे को सबसे सुंदर बकरी लगती है, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया अभी 2 मिनट पहले। अगर ये बकरी, अगर आपने मान लीजिए ये बकरी के ऊपर, इसी के ऊपर चलते हैं आप, अगर मान लीजिए इसने एक बार में 2 बच्चे दिए, 3, 4, 5 की बात नहीं करते, और दोनों आपने फीमेल दे दी, नहीं वो 2 की बात करते हैं ना, और अगले 6 महीने में आपको 2 और देने हैं, अगर दोनों बार में फीमेल दे दिया इसने, 4 फीमेल आपको 1 साल में दे दिया, तो आज की जो फीमेल है ना, आपको 1 साल के बाद वो बकरी बन जाएगी, उसकी कीमत ऐसी बकरी की फीमेल की कीमत जो वो ब्याती है 2 दांत पे, तो 30,000 रुपये मेरे हिसाब से 40,000 रुपये कीमत उसकी होनी चाहिए। तो आपने 2 तो 40,000 की फीमेल दे दिया इसने, और जो छोटी बच्ची है उनकी भी 20,000 कीमत है ना, 80,000 वो और 40,000 वो, 1,20,000 हो गया। और इसका दूध का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको आप छोड़ दो, वो तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, 100 रुपये का पर डे देगा ना, जब जो 36,000 का दूध देता है एक बकरी एक साल में, नहीं तो आप एक बकरी अपने घर पे ले जाके देखो ना, उसका पूरी साल का दूध बेच के देखो ना, तब पता चलेगा ना, है ना। जो 5 लीटर की बकरी है ना, वो 2 लीटर बच्चे को पिलाएगी, 2 लीटर आपको देगी हमेशा, 2.5 लीटर 3 लीटर बच्चे को पिला दो, 2 लीटर तो फिर भी आपको देगी, 100 रुपये का पर डे दे रही है, है ना। तो भाई 1.5 लाख रुपये से टप जाती है बकरी, तो सच्चाई बात है ये। अगर एक बकरी की बात करेंगे तो अब ऐसा है ना, पूरे हाड़ में ऐसी बकरी तो नहीं मिलेंगी, ऐसी बकरी इनके हाड़ में और नहीं है, यही बकरी है। लेकिन ये बकरी का मैं इनको पहले भी बोला था, आज से 6 महीने पहले, इस बकरी का ब्रीडर पाल लेना, एक नंबर का बनेगा इसका ब्रीडर, क्योंकि इसकी बोंज वोंज है ना बहुत टॉप है, और मिल्क लाइन की बकरी है, और क्वालिटी के हिसाब से भी बहुत बेस्ट है जो है ना। अरे भाई ये बकरी का जो है ना फेस वेस देखो आप, देखो कितना अच्छा है ना, मासूम फेस है, है ना। देखो इसका हिक देखो, जो इसको बोंज बोलते हैं ना, ये पैर देखो आप कितने मजबूत पैर हैं, पीछे के पैर देखो, ढलान है, ये भी 45 का है, और पीछे से बकरी चौड़ी है। फीमेल जो होती ना, वो कोई भी फीमेल हो, आप ऐसे तो बोलेंगे नहीं वो फीमेल,
कोई भी फीमेल हो, फीमेल का हमेशा जो पीछा होता है वो चौड़ा होता है और मेल का हमेशा जो है ना वो फ्रंट चौड़ा होता है। जो मेल होगा ना वो आप अगर बकरे की बात करेंगे आगे से चौड़ा पीछे से भेड़ा, और जो फीमेल होती है वो पीछे से चौड़ी आगे से भेड़ी, है ना, वी शेप होनी चाहिए। बिल्कुल हाँ, जैसे बोलते ना देसी भाषा में बोल देंगे बियर की बोतल, है ना, मुंह पतला और पीछे से चौड़ी, एक बकरी की यही पहचान होती है। बिल्कुल। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अब बारिश हो रही है लगातार, पानी गिर रहा है, बकरियाँ मजबूरी में बाहर खड़ी हुई हैं, अब इनको अंदर जाने देते हैं। और कोई भी अगर आपके सवाल हैं तो बिल्कुल हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।